क्या तो बात है, सुपर एमुलेट दिया गया है यहाँ पर। आप दोस्तों बात करते हैं कुछ बैटल की, कुछ गेमिंग की, पबजी की। दोस्तों आ चुका है मेरे पास यहाँ पर Realme का फ्लैगशिप Realme का GT 5G, जो कि इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, जो कि अभी तक फिलहाल सिर्फ चाइना में ही लॉन्च हुआ है। आ चुका है मेरे पास, या यूं कहें भेजा जा चुका है मेरे पास, हमारे मित्र हैं मास्टेक से अली भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमको ये Realme GT सेंड किया है। साथ ही साथ बहुत ही फेमस सोन हलवा भी सेंड किया है। तो अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, एक बार चैनल उनका जरूर से चेक करना। तो करते हैं अनबॉक्स फ्लैगशिप को, Realme के GT को। जनता दिल खोल के लाइक तो बनता, लाल को काला बनता। दोस्तों ब्लैक कलर का बॉक्स है, 5G को यहाँ पर मेंशन किया गया है Realme, और यहाँ पर मक्खी मच्छर GT सेम ब्रांडिंग है Realme की यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर मक्खी मच्छर GT ऊपर की साइड कुछ नहीं। कौन सा वेरिएंट है, कैमरा कर ले फोकस, कैमरा फोकस। 12GB की रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज, जो तो ये 8GB रैम वाले के साथ भी आता है। और दोस्तों बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है। एक कट लगाते हैं बड़े ही आराम से और रैपर से निकालते हैं इसको बाहर। क्या बोलेंगे हम, 10 10 10 10, क्या बात है भाई, क्या बात है। सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पर Realme चिपा फोफा 7000 दे मेरा चिपा फोफा लिखा है, इसको हटा देते हैं हम। ओके, और यहाँ पर रहा Realme GT। ओके ओके दोस्तों, बहुत ही लाइट वेट लग रहा है, रैपर से निकालते हैं। और क्या तो बात है, शाइनिंग शाइनिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। स्टार्ट करते हैं हम, हल्का सा वाइब्रेट आया 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 आया, और ये आया Realme की ब्रांडिंग। एक मिनट की साइड में रखते हैं, देख लेते हैं कि एडाप्टर कितने वॉट का मिलता है। दोस्तों चाइना में Xiaomi ने अपने Mi सीरीज में अडेप्टर देना बंद कर दिया है। अब Mi 10S में भी अडेप्टर नहीं है, लेकिन Realme अपने फ्लैगशिप में अडेप्टर दे रहा है। और वाह, क्या तो वेट है, क्या रेटिंग है, देख लेते हैं। सुपर डैड का अडेप्टर मिलता है और रेटिंग 65 वॉट का दोस्तों ये अडेप्टर हमको मिलता है। टाइप ए टू टाइप सी है और कलर अंदर ऑरेंज कलर दिया गया है। वाले बॉक्स में सिम्पिन है और इसके अंदर यहां पर दोस्तों कुछ पेपर वर्क चाइनीज में और केस डिसेंट क्वालिटी का केस मिलता है। यही कुछ था दोस्तों बॉक्स कंटेंट। सीधा डिवाइस को यहां पर ले आते हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसकी होम स्क्रीन में ले चलता हूं। तो फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, सबसे पहले तो स्टिकर यहां से रिमूव कर देते हैं। काफी शाइनिंग दोस्तों सिल्वर कलर में यहां पर ग्लॉसी फिनिश दी जाती है, आप देख सकते हैं। 3 कैमरा यहां पर दिए गए हैं, यहां पर ड्यूल टोन फ्लैश लाइट दिया गया है, 64 मेगापिक्सल को यहां पर हाईलाइट किया गया है। इस साइड में सिर्फ एक ही बटन दिया जाता है ऑन और ऑफ का। नीचे की साइड में फ्लैगशिप में दोस्तों हेडफोन जैक भी दिया जा रहा है, क्या तो बात है। उसके बाद यहां पर टाइप सी कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन। साइड में दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है, सिम ट्रे है, और ऊपर के साइड में सिर्फ और सिर्फ आयर ब्लास्टर है और कुछ नहीं। सिम ट्रे दोस्तों ये यहां पर ड्यूल सिम ही आप लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आ गए हम इसकी होम स्क्रीन में, और सुपर एमुलेट की स्क्रीन की क्या तो बात है, क्या तो कहने हैं। यहां पर जो एजेस की बात करें, नीचे की साइड में हम बिल्कुल थोड़ी सी चिन्ह हमें नजर आ रही है, साइडों में बिल्कुल कम है पंच होल, और उसके बाद ऊपर का एजेस भी काफी कम है यहां पर। स्पेसिफिकेशन की दोस्तों बात करें, जो स्क्रीन साइज है वो सुपर एमुलेट की 6.43 इंच की 120Hz की दी जाती है। ड्रैगन का लेटेस्ट 888 का प्रोसेसर है और बैटरी यहां पर 4500 mAh की दी गई है। USF 3.1 का और कैमरे यहां पर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का दिया जाता है। सेल्फी जो आज पूजा ने ले ली दोस्तों वो है यहां पर 16 मेगापिक्सल की।
अगर दोस्तों आप यहाँ पर चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं तो भी आपको यहाँ पर गूगल गूगल की सारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं एपीके के थ्रू। उसके बाद दोस्तों ब्लूटवेयर, चाइनीज ब्लूटवेयर इतना ज्यादा आता है दोस्तों, इंडिया का ब्लूटवेयर बहुत ही कम है। उस हिसाब से आप देखिए तो इतने एड्स को यहाँ पर भर भर के दिया जाता है। और दोस्तों ऑफकोर्स जैसे मैं कह चुका हूँ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट या तो स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अबाउट फोन की अगर बात करें तो यहां पर जीटी लिखा है, उसके पहले क्या लिखा है आप समझ गए होंगे। उसके बाद एंड्रॉइड 11 है, रियलमी यूआई वर्जन है ये V2.0। उसके बाद हमारा जो वर्जन है वो है यहां पर 12 GB वाला क्वालकॉम का 888 का प्रोसेसर मिलता है। उसके बाद जो स्टोरेज आउट ऑफ द बॉक्स है 230 अवेलेबल मिलती है। तो बेंचमार्क स्कोरिंग की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर यहां पर आया है सिंगल कोर 1140, मल्टी कोर 3419। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं सिंगल कोर का तो आप यहां पर देखते हैं वन प्लस एट प्रो से ज्यादा है। मल्टी कोर की बात करें तो भी हमारा डिवाइस इस वक्त बाकी डिवाइस से नंबरों में आगे है। तो ये प्रोसेसर जो है रियलमी का इस बार बेंचमार्क में दोस्तों इसके नंबर जबरदस्त आए हैं। अब दोस्तों कुछ साउंड टेस्ट और वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपर एमुलेट के कलर यहां पर है जबरदस्त। आप दोस्तों बात करते हैं कुछ बैटल की, कुछ गेमिंग की, पबजी की। तो ग्राफिक की बात करें तो HDR स्ट्रीम तक गेमिंग प्ले आप कर सकते हैं। ग्राफिक दोस्तों तो ग्राफिक यहां पर पबजी का एकदम जबरदस्त है। आजा वाह, तेरे हाथों में मरना चाहता हूं, मार दे मुझे। कॉल ऑफ ड्यूटी की कुछ गेमिंग कर लेते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी ग्राफिक जबरदस्त है यहां पर। आप दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर देख लेते हैं। मैंने रखा ओके, एक बार फिर से मैंने रखा, जबरदस्त दोस्तों फिंगरप्रिंट मुझे काफी तेज लगा है यहां पर। अब तो फेस अनलॉक, मैं हूं बिल्कुल सामने, पावर बटन को दबाया ओके, एक बार फिर से लॉक स्क्रीन थोड़ी सी नजर आ रही है। अब दोस्तों कुछ कैमरा शॉट की बात करते हैं। मैं यहां पर कई सारे पिक्चर लेके आऊं। सबसे पहले दोस्तों सेल्फी पिक्चर है, डिटेलिंग देखिए। मुझे यहां पर जो स्किन टोन है डे लाइट में, नाइट में मुझे लगता है ये स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन डे लाइट में यहां पर मुझे इसका कैमरा 16 मेगापिक्सल का काफी ठीक लगा है। पोर्ट्रेट मोड शॉट भी दोस्तों मुझे यहां पर काफी सही लगा है। ये शॉट दोस्तों अल्ट्रा मैक्रो का है। यहां पर डिटेलिंग देखिए ठीक है, कलर थोड़े से मुझे कम नजर आ रहे हैं, बाकी डिटेलिंग सही है। ये वाली पिक्चर दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में ली गई है रियर की तरफ से, मुझे रियर का ये पोर्ट्रेट शॉट काफी सही लगा है। उसके बाद ये है नॉर्मल मोड की पिक्चर, यहाँ पर कैमरा है ये, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का डे लाइट में तो मुझे कैमरा ठीक लग रहा है, लेकिन नंबर छोटे हैं, 16 मेगापिक्सल ही है। नाइट में हो सकता है स्ट्रगल कर रहा हो, यहाँ पर जो जो आसमान है उसका कलर भी फ्लैश आउट हो रहा है। अदरवाइज स्किन टोन की बात करें तो स्किन टोन में इसका कैमरा रिकॉर्डिंग में सही है। के वीडियो की बात कर लेते हैं हम, रियल कलर अच्छा है, फोकसिंग अच्छा है, फोकसिंग इसकी टाइमिंग में जबरदस्त लगी, कलर अच्छा है। जूमिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर, पार्क का पहले आपको नजारा दे देते हैं पूरा सा, और यहाँ पर एक 2x जूम, यहाँ पर 5x जूम, यहाँ पर हम नॉर्मल में चले जाते
जाते हैं दोस्तों। कैमरा मुझे फर्स्ट रिएक्शन में लगा है काफी। बॉक्सिंग करने हमने रियलमी GT की। प्राइसिंग भी दोस्तों जबरदस्त है, इंडिया में हो सकता है इसी प्राइसिंग में आ जाए। 8GB 128GB की जो प्राइस है दोस्तों वो है यहाँ पर 31,200 समथिंग, जो कि 2800 RMB बनती है। जो हमारा वर्जन है इस वक्त जो हमने अनबॉक्स किया है वो है 12GB 256GB, जिसकी प्राइस 37,000 इंडियन रुपीज बनती है, जो कि 3300 RMB में लॉन्च किया गया दोस्तों। बहुत जल्दी Realme इसको लॉन्च करने वाला है। मास्टेक अली भाई, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये डिवाइस हम तक पहुंचाया और आपकी मिठाई मैं जरूर से खाने वाला हूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता लाइक तो बनता, लाल को काला बनता, शब्बा खैर।